नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आयुर्वेदा एक्सपर्ट पर। दोस्तों, छुई मुई का नाम आप सभी ने ज़रूर सुना होगा, इसे लाजवंती भी कहते हैं। इसका लैटिन नेम मिमोसा प्यूडिका है। इस पौधे की पत्तियां अत्यंत संवेदनशील होती हैं। स्पर्श से या तेज़ आवाज़ से इसकी पत्तियां संकुचित हो जाती हैं, इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि बाहरी व्यक्ति के आने पर यह नमस्कार कर रही हैं, इसलिए इसे नमस्कारी भी कहते हैं। इसके पत्ते शमी के समान होने से इसे शमी पत्रा भी कहा जाता है। यह पत्तियाँ कोई कीड़ा, लकड़ी, यहाँ तक कि तेज़ हवा चलने और पानी की बूंदों के स्पर्श मात्र से मुरझा जाती हैं। आसपास ढोल बजाने से भी इनकी पत्तियाँ मुरझाने लगती हैं। यह पौधा अपनी प्रतिक्रिया इन छोटी छोटी पत्तियों को आपस में चिपका कर अथवा खोल कर व्यक्त करता है, जिसे छुई मुई का मुरझाना या शर्माना भी कहते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि छुई मुई का पौधा छूने पर क्यों मुरझा जाता है। इसकी पत्तियां कई कोशिकाओं या सेल की बनी होती हैं। इनमें द्रव पदार्थ भरा होता है। यही द्रव पदार्थ सेल की दीवार को मजबूत रखता है और इस कारण इसके पत्ते खुले रहते हैं। जब बाहरी रूप से इस पौधे पर कोई भी हरकत होती है, तब पौधे की कोशिका या सेल में मौजूद पोटेशियम आयन बाहर आते हैं और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है, जिसके परिणाम स्वरूप सेल दबाव कम होता है, जो पत्तियों को बंद कर देता है। तो दोस्तों, यही कारण है कि छूने मात से ही छुई मुई का पौधा मुरझा जाता है। ऐसा देखा गया है कि इस पौधे का जो भाग पहले स्पर्श होता है, उसी भाग की पत्तियां पहले मुरझा जाती हैं। यही कारण है यह पौधा जानवरों द्वारा खाए जाने से बच जाता है। साथ ही इसमें कांटे भी होते हैं, जिस कारण से पशु इसे खाते नहीं हैं। पशु द्वारा स्पर्श होने पर यह सिकुड़ या मुरझा जाता है और पशु इसे मृत पौधा समझकर खाने से परहेज कर लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसकी पत्तियां बंद ही रहती हैं। 10 मिनट बाद पत्तियां वापस अपने स्वरूप में आ जाती हैं और पौधा पूरा खिला खिला दिखने लगता है। दोस्तों, बच्चों को यह बहुत ही पसंदीदा पौधा होता है। वह इस पौधे को बहुत पसंद करते हैं। साथ ही यह औषधीय गुणों से भी भरपूर है। इसके फायदे मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। दोस्तों, आपको अगर मेरा यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट्स कमेंट बॉक्स पर लिखना ना भूलें। आप सबका यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।